हेलो मेरे और अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल विच ब्लॉग्स एंड दिस योर बॉय मोहम्मद। मैं आपका स्वागत करता हूं आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज गुवाहाटी से काफ़ी दूर हूं मैं, एक्चुअली आउटस्कर्ट्स पे हूं गुवाहाटी का, और बहुत लोगों का बहुत कुछ क्वेश्चंस था अपने एक्सपोज 240 को लेकर। तो आज उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आया हूं मैं, इतना दूर तक आया हूं। एक्चुअली व्यू भी काफ़ी लाजवाब व्यू है, तो सोचा कि व्यू के साथ आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट दिया जाए। तो सबसे पहले इस बाइक का मैं क्या बताऊँ, मतलब आज तक अभी तक इस बाइक ने मुझे निराश नहीं किया है। जहाँ भी मैंने सोचा लेके जाऊँगा मैं चला गया हूँ। तो इससे पहले हम बाइक का वीडियो स्टार्ट करें, आप 2-3 सिनेमेटिक देख लीजिएगा इस। इसको फिक्स करने के लिए थोड़ा झमेला है गाइस, क्योंकि इसमें आपको लगेगा जो एक्सपल्स का जो हैंडल राइजर्स आता है वो लगेगा, उसके बाद उसके ऊपर चिपकेगा जो हैंडल का राइजर्स आता है, तो काफी ऊंचा हो जाता है ये जो हैंडल का सिस्टम है, काफी ऊंचा हो जाता है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि टूरिंग के लिए ये हैंडल लगाना चाहते हो तो डोंट गो फॉर इट, ये हैंडल टूरिंग के लिए नहीं हो, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेट है, आपको हैंड में प्रेशर पड़ेगा जब आप बाइक चलाओगे हाईवे पे। तो इसलिए अगर आप लोग टूरिंग के लिए लगाना चाहते हो तो गो फॉर द आरडी हैंडल, क्योंकि वो थोड़ा अंदर की तरफ है, उसको आराम से बैठ के लंबे टूर्स कर सकते हो। क्योंकि मैं जब नॉर्थ ईस्ट के टाइम पर जब मैंने टूर किया था तो उस हैंडल के साथ बहुत ईजीली, अभी ये हैंडल के साथ किया था अगर मैं मेघालय पर जाता हूँ तो थोड़ा सा हाथों में प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ये हैंडल बहुत स्ट्रेट है और काटने वाटने में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा जो टायर्स लगे हुए वो ब्लॉक टायर्स लगे हुए, मतलब रेलको के टायर्स लगे हुए। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा मॉडिफिकेशन है मेरा लगा हुआ है बंगबॉन का क्विक थ्रॉटल, जिसका पर्पस आपको पता है, ये जो थ्रॉटल है इसको क्विक कर देता है ताकि आपका जो बाइक का जो इनिशियल टॉर्क इनिशियल पावर है उसको बढ़ा देता है ये बाइक। ये चीज़ जो है ये अराउंड मार्केट में 2000 का आता है, अगर हमारे तरफ से बाइक प्लांट में लेने जाओ तो आपको करा देंगे भाई, बिकी भी है डिस्काउंट करा देंगे। और इसका जो केबल आता है वो भी अलग केबल है, ये एक्सप्रेस का केबल नहीं लगता है इसमें आपको पुराना दिन का जो बजाज का केबल होता है, बजाज स्कूटर का केबल, उसको अराउंड 25 या 30 रुपीज़ पड़ता है, वो लगता है क्योंकि ये केबल अभी लंबा हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें लगाया अभी जो रिसेंट जो नया वाला वाइजर आया हुआ है, विंडशील्ड आया हुआ है मार्केट में 2023 एडिशन का एक्सपल्स का, तो उसका विंडशील्ड लगा 380 रुपीज़ पड़ता है। अगर आपको इसका पूरा असली फिट चाहिए तो इसका जो नया वाला क्लैंप आता है वो भी साथ में चाहिए होगा, तब आपका क्या होगा ये इधर चिपकेगा नहीं, अभी मेरा इसमें क्लैंप नहीं लगा हुआ है जिसकी वजह से ये इधर चिपक रहा है। तो सबसे पहले ये दो मॉडिफिकेशन हो चुका है, उसके बाद जैसे कि आपको पता ही है कि एक्सपल्स का जो हेडलाइट का पावर है वो थोड़ा कम है। ओके, तो ये रहा हेडलाइट, आप लोग देख सकते हो इसका पावर बहुत कम है, जिसकी वजह से हमने हेडलाइट को ऑक्सलाइट के साथ कनेक्ट करके 3 लाइट एक सेट कर दिया है, ताकि जो मेरा ऊपर का ऑक्सलाइट है वो हेडलाइट के साथ अपर में एक साथ में जल जाता है। और उसके साथ नीचे हमने दिया है HGC का मिनी ड्राइविंग लाइट, जिसमें अगर ऊपर के साइड स्विच दे तो ये येलो, नीचे देते हो ये वाइट, बीच में बन जाता है। और ये स्विच काफ़ी लाजवाब स्विच है गाइस, एक बार ये स्विच दिखा देना, ये स्विच मैं आपको बहुत प्रीफर करूँगा, मतलब मेरे तरफ से ये स्विच बहुत काम है, 3-in-1 स्विच बोलते हैं इसको, 3-way स्विच है ये, और ये वाटर प्रूफ रहता है गाइस, मेटल वाला, प्लास्टिक वाला मत लेना, मेटल वाला वाटर प्रूफ रहता है। उसके बाद बाइक में हमने लगाए हुए क्रैश गार्ड RG एक्सप्रेस की तरफ से, मेरे पास सैडल स्टे है, साइड में फोटो आ रहा होगा, सैडल स्टे भी RG एक्सप्रेस की तरफ से ही है, और मुझे एक सैडल बैग दिया गया है, सैडल बैग भी वो भी RG एक्सप्रेस की तरफ से ही था, लेकिन उस बैग में एक प्रॉब्लम था, वो बैग जो है वो रॉयल एनफील्ड हिमालयन के लिए बना हुआ है, तो उसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है, क्योंकि एक्सप्रेस का जो एग्जॉस्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है थोड़ा, तो इसलिए उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा हमें सिलाई करके बैग के दुकान में, चलो कोई 200 रुपये में हो जाते हैं वो। उसके बाद हमने बाइक में लगाया हुआ है अपना एक एग्जॉस्ट एक्राफोबिक का मास्टर कॉपी है, ये साउंड में आपको सुना सकता हूँ, तो अभी वैसे मेरा बाइक में डीबी किलर खुला हुआ है, जिसके वजह से साउंड थोड़ा ज़्यादा सुनाई देगा, अगर डीबी किलर लगा होता है तो साउंड थोड़ा कम होता है गाइस, तो हमेशा याद रखिएगा FI पूरा ऑन होने दीजिएगा, उसके बाद ही अपना जो इग्निशन स्विच है उसको हिट कीजिएगा। अगर आप लोग डर्ट वर्ट में जा रहे हो, जैसे मेरे तरह कभी ऑफ रोडिंग में जाते हो, तो एग्जॉस्ट अगर आप लगाते हो बाइक में तो आपका बाइक में 10 BHP का बूस्ट मिलता है बाइक को, जो अगर आप बाइक एंथुजियास्ट हो तो आपको पता चलेगा कि अगर एग्जॉस्ट डाल रहे हो बाइक में तो आपको एक पावर में डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जो एयर फ्लो है वो बढ़ जाता है। और साथ में अगर आप लोग एग्जॉस्ट डाल रहे हो तो हमेशा याद रखिएगा ECU का रिमैपिंग करना बहुत ज़रूरी है, और सेकेंडली जो एयर फिल्टर है उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो अभी इनटेक है वो बढ़ चुका है, जिसके वजह से एयर फिल्टर का इंटेक को भी पावर उतना चाहिए होगा कि एक साथ में उतना हवा खींच सके। उसके बाद में हमने बाइक में किया हुआ मॉडिफिकेशन टेल टाइडी का, ये एंड्यूरो का टेल टाइडी आता है,
ये आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा, ऑफलाइन हमारा गुवाहाटी में लेना है तो बाइक प्लैनेट, मैंने तो बाइक प्लैनेट से लगाया, दूसरी जगह भी मिल जाएगा, बाइक प्लैनेट से मैंने लगाया, ठीक है। तो ये अराउंड आपका 1000 पड़ जाता है, फिटिंग विटिंग करके 500 एक्स्ट्रा पड़ता है, क्योंकि इसका बीच में क्लैंप लगाना पड़ेगा, ये सब काटना पड़ेगा, तो बहुत कुछ झमेला है इसको फिटिंग करने के लिए, तो जिसकी वजह से ये ऑल टोटल 1500 में हो जाता। उसके बाद द मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आते वक्त भी सरायघाट में बोल रहा था, मतलब लास्ट वीडियो में बोल रहा था, द चेन स्पॉकेट गाइस, द चेन स्पॉकेट, चेन स्पॉकेट का सीन ये है, जो हीरो की तरफ से जो चेन स्पॉकेट आता है इस बाइक में, तो वो चेन स्पॉकेट थोड़ा सा हल्का है। अगर आप लोग नॉर्मली चला रहे हो बाइक को तो इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप लोग उसको लेके ऑफ रोडिंग में जा रहे हो तो बहुत जल्दी उसका चेन स्पॉकेट जो है वो खराब हो जाता है। तो जो मेरा हीरो का चेन स्पॉकेट था वो अराउंड 15,000 किलोमीटर्स में खराब हो गया था। अभी मेरा बाइक अराउंड 36,000 किलोमीटर पे है, मतलब उसके बाद भी मैंने 25,000 से 28,000 किलोमीटर क्लॉक किया ये वाला चेन स्पॉकेट के साथ। ये चेन स्पॉकेट है आपका रोलोन का, आफ्टर मार्केट आता है रोलोन का परफॉर्मेंस चेन स्पॉकेट। अगर आप लोग ऑफ रोडिंग में हो तो ऑफ रोडिंग के लिए रोलोन का ही एक ब्रास का चेन स्पॉकेट आता है, अगर वो भी लगा सकते हो, बाकी आपका मर्जी, अगर हीरो का लगाना चाहते हो हीरो का। तो एक बोनस टिप मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को गाइस, वो बोनस टिप ये है कि अगर आप लोग हीरो में सर्विस कराते हो और अगर ब्रेक पैड्स का आपका इशू है, कि ब्रेक पैड्स का बहुत कॉस्टली आता है हीरो की तरफ से, जो ब्रेक पैड जाते हैं पीछे का ब्रेक पैड अराउंड 1400 का आता है, आगे का ब्रेक पैड अराउंड 1200 का आता है, तो सेम चीज़ जो देखो ये ब्रांड के वजह से ब्रेक पैड्स का दाम बढ़ रहा है, लेकिन जो ब्रांड बनाता है इस ब्रेक पैड को तो वो ब्रांड का बहुत कम दाम में आता है। जो अगर निफिन का पीछे मेरा ब्रेक कैलिबर लगा हुआ है, अगर निफिन का ही आप ब्रेक पैड खरीदने जाओ मार्केट में अराउंड 380-400 तक आपको मिल जाएगा। वैसे आप पीछे में अगर लगाना चाहते हो तो RTR 200 का लगा सकते हो गाइस, नहीं पीछे में अगर लगाना चाहते हो तो होंडा यूनिकॉर्न 160 का लगा सकते हो, ठीक है गाइस। और आगे में जो ब्रेक पैड्स जो अगर आपको लगाना हो तो आप गो फॉर द RTR 200 और RTR 160, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। होंडा का पीछे लगता है अराउंड 700, आगे में लग जाएगा 320 अगर ब्रांड में जाना है। अगर निफिन का लेना चाहते हो तो निफिन खुद बेचता है 380-400 का, तो काफ़ी कम प्राइस में हो जाएगा। अगर आप हीरो से लगवाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो फिलहाल तो बाइक में इतना ही है मेरा अभी तक का मॉडिफिकेशन और लीस्ट मॉडिफिकेशन, इससे ज़्यादा और बाइक में कुछ किया नहीं जा सकता एक्सपल्स में। आप फीस बस इसमें एक रैली का सीट लग सकता है, उसका अराउंड 2,800 रुपीज़ कॉस्टिंग आता है। अगर हम चाहें तो उसको ऑर्डर करके लगा सकते हैं, क्योंकि वो बीच में उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि वो एक साथ किट में आता था, रैली किट में आता था, लेकिन इसके बाद रैली वर्जन लॉन्च किया गया जिसमें नॉर्मल सीट दिया गया, तो इसलिए आजकल सीट एक्स्ट्रा करके बेचते हीरो 2800। पहले 1800 दाम था गाइस, जब से ये हीरो का रैली वर्जन आया तब से उन्होंने उसको 2800 1000 रुपये बढ़ा दिया। तो उसके बाद अभी आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन ये है कि भाई साहब जर्किंग का इशू आता है बाइक में, तो जर्किंग का इशू इसलिए आ रहा है कि आप लोग FI बाइक है गरीबी मत किया कीजिए, 3 लीटर के ऊपर पेट्रोल रखा कीजिए, जर्किंग का इशू नहीं मिलेगा हमें। सर हमारे यहाँ पे लोग जब तक बाइक रिजर्व में चल रहे चलाते रहते, तो इसके लिए इसका जर्किंग का इशू है, तो वो एक्चुअली कोई इशू नहीं है, वो आपका खुद का इशू है। अगर 3 लीटर के ऊपर पेट्रोल है, 5 लीटर पेट्रोल है, अगर उस टाइम आपका जर्किंग का इशू आ रहा है तो यू शुड गो फॉर द ECU का जो अपडेट है, एक अपडेट दिया गया है हीरो की तरफ से। अगर आपका 5 लीटर के ऊपर तेल है और अगर बाइक जर्क कर रहा है, तब आप ECU को कॉम्प्लेन, मतलब सर्विस जाके आप कॉम्प्लेन कर सकते हैं ECU को अपडेट करने के लिए। उस टाइम आपका RPM का एक एडजस्टमेंट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जर्किंग का इशू खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपका पेट्रोल ही नहीं है बाइक में और जर्क कर रहा है, तो वो बाइक का दोष नहीं, आपका दोष है। पहला बात वो, दूसरा बात जो ब्रेक पैड्स का था मैंने बता दिया, बहुत कॉस्टली आता है, उसका भी बता दी। तीसरा बात, बहुत लोगों का कंप्लेन है कि आगे का ब्रेक हवा लेता है गाइस। यस, आगे का ब्रेक हवा लेता है, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा सस्पेंशन ट्रैवल है, स्पोर्ट्स बाइक का ऐसा नहीं है छोटा सस्पेंशन, काफ़ी लंबा सस्पेंशन ट्रैवल है। तो आगे का चक्का जो है पीछे के चक्के से बड़ा है, हवा में रहने का कोशिश करता है वो, जब भी आप उसको पावर देते हो, तो उसी टाइम अगर आप ब्रेक हिट कर रहे हो तो आपका ब्रेक हवा लेता है। तो उसके लिए हमेशा अपना जो मास्टर सिलेंडर है, इसको हमेशा .4 के ऑयल से एक बार चेक करते दीजिएगा। मतलब यहाँ पे आपका चेकिंग के लिए आता है, अब लाइट मारने से दिखेगा, अभी तो हम लोग शूट इसमें लाइट नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी वीडियो शूट हो रहा है। तो इसमें आप अपना तेल चेक कीजिएगा, वो वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, और जो पीछे का कैलिबर है उसके लिए यहाँ पे चेक कीजिएगा इसको खोलकर। ये मतलब बहुत नेसेसरी चीज़ है एक्सपल्स के लिए, क्योंकि एक्सपल्स का जो ब्रेकिंग है पीछे में ABS नहीं है, तो पीछे हमेशा लॉक हो जाता है टायर। आगे का टायर में ABS है, वो भी मतलब सेकेंड जनरेशन ABS है, फर्स्ट जनरेशन ABS नहीं है, तो इसलिए हवा ले लेता है। तो ये दो ही क्वेश्चन था अभी तक मेरे पास, और अगर आप लोगों को कुछ और भी अनदर रिलेटेड क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो। हाँ, मेरा एग्जॉस्ट के साथ बहुत लोगों ने पूछा था माइलेज कितना मिलता है एग्जॉस्ट के साथ विद द DB किलर, मुझे 40+ मिल जाता है गैस अगर मैं हाईवे में चला, तो सिटी में थोड़ा कम मिलता है, 35 पकड़ सकते हैं आप लोग, 35 वैसे मिल जाता है, लेकिन मेरे लिए ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं हाथी चलाता था एनफील्ड क्लासिक 350, वो मुझे 18-19 देता था, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी बेहतर है, नो इशू। तो जितना कुछ था इस बाइक के बारे में मैंने बता दिया है, और उधर में हमारे पास एक रैली वर्जन भी है, वो लोग हमें शूट कर रहे हैं, तो
रैली वर्जन का अगर आपको फिर से एक डेडिकेट इधर दिखाओ, मेरे को दिखा रहे लोंडे, अगर रैली वर्जन का आपको फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो। वैसे जब निकला था तब दे दिया था, ये नया वाला रैली एडिशन है, देख सकते हो, क्योंकि इसमें जो विंडशील्ड है ये चेंज हो चुका है, जो हमने अपना बाइक में लगा के रखा। हेडलाइट भी इसका चेंज है, इसका हेडलाइट में वो अपना हीरो का वो किया गया, क्या बोलते उसको, मतलब उसका डिजाइन रखा गया है, ये एच को रिजेंबल करता है हीरो का। तो इसके बारे में आज नहीं बताएंगे, नहीं तो पैसा कम मिलता है ना यूट्यूब से, नया वीडियो नहीं बनेगा ना गाइस। इसलिए अगर आप लोगों को चाहिए तो बताइएगा, मैं इसके ऊपर अच्छे से इतना स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि इसमें मोड्स आया है ऑलरेडी, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो मैं ऑलरेडी अपना चैनल में बता चुका हूँ कि इस बाइक्स में मोड्स दिया गया है, ऑफ रोड, रैली और पता नहीं कुछ एंड्यूरो स्पोर्ट था इसमें, जस्ट द सेंसिटिविटी सेटिंग्स। तो अगर आप लोग चाहते हो तो बता सकते हो, मैं बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो। तो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट डू इट, बाय बाय, थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ द डे।